गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की अपेक्षा के शिकार गोरखपुर को विकास के शिखर पर पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। लगभग 30,000 निराश्रित वृद्ध विधवा और दिव्यांग जनों को आज उपकरण और पेंशन का वितरण किया गया है, जिसमें लगभग 19,000 नए लोगों को विधवा पेंशन देने का काम 9 वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रदेश के अंदर हर निराश्रित महिला को हर पात्रता की श्रेणी में आने वाले वृद्ध जनों को और हर दिव्यांग जन को पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो, ये प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और उसी में हम लोगों ने गोरखपुर के जनपद के स्तर पर जो लोग छूटे हुए थे, ऐसे हजारों निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांग जनों को आज पेंशन की सुविधा का लाभ लगभग 30,000 से ज्यादा है, 31,000 से ज्यादा है, इन सबको ये सुविधा यहाँ पर आज उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही गोरखपुर में जो दिव्यांग जन हैं, जिनके पास अब तक उनके द्वारा जो ट्राईसाइकिल चलाई जाती थी वे मैनुअली थी, हाथ से उनको चलाना पड़ता था, हम लोगों ने मोटराइज ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाई है, जिसमें भारत सरकार ने 75% अनुदान दिया है। 25% हम लोगों ने, मैंने अपने MLC निधि से वह राशि उपलब्ध करवाई है। तो विधायक निधि और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 140 ऐसे दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की जा रही है कि गांव से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव थे जो पिछले 1.5 साल 2 साल से लंबित पड़े हुए थे, कोई ना कोई आपत्ति थी, उन सबका निस्तारण करते हुए आज 112 परियोजनाओं को हम गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहे हैं। गोरखपुर महानगर के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए, जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उन बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच प्राप्त हो सके। MLC निधि की धनराशि जो विधायक निधि के रूप में थी, उस राशि को मैंने महानगर के सभी बेसिक शिक्षा विद्यालय के स्कूलों को राशि उपलब्ध कराई थी, उस राशि का यहाँ पर उपयोग किया गया है। आज उसको भी यहाँ गोरखपुर महानगर के बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोक कल्याण का यह कार्यक्रम बिना भेदभाव के गोरखपुर के नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दिशा मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर के प्रत्येक तबके के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। जिन दिव्यांगों को पेंशन की सुविधा, लगभग 1525 से अधिक ऐसे दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो रही, नए तरीके से उनको पेंशन मिल रही है, उन्हें 19,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जो पहली बार वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। 10,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं हैं, उन्हें भी मैं इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं। इसके अलावा विकास की जो योजनाएं जिन गाँवों में पहुँचेंगी, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, ये योजनाएं उनके जीवन में खुशहाली ला सकें, इस विश्वास के साथ मैं सभी नागरिकों को इस 9 वर्ष के मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए इन योजनाओं को गोरखपुर वासियों को समर्पित।